बस्तर के आदिवासी बेहद सरल, सीधे और निष्कपट माने जाते हैं। ये किसी मुकाम पर पहुंच जाए अपनी संस्कृति से खुद को दूर नहीं रख पाते। बस्तर की राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस में लंबे समय तक विधायक रही फूलो देवी नेताम की इन दिनों खूब चर्चा है। राजनीतिक व्यस्तता से समय मिलते ही फूलो देवी अपने खेत में पहुंच गई और धान का रोपा लगाने लगी। उनका खेतों में रोपाई का वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। बस्तर संभाग में हो रही लगातार बारिश के चलते किसान अपने खेतों में धान बुआई में जुट गए हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम भी अपने खेत में धान की रोपाई करते हुए नजर आईं। सांसद को खेत में रोपाई करता देख स्थानीय लोग अचंभित रह गए। फूलो देवी नेताम अपने गांव फरस गांव में खेत में धान रोपाई करते हुए नजर आईं। लगातार हो रही बारिश के चलते खेतों में पानी भर गया है, जिसके कारण किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। इसी के चलते राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम भी अपने खेत में धान रोपने के काम में जुट गई हैं। किसान की बेटी हूँ, किसान की बहू हूँ। हमारे यहाँ खेती बाड़ी बहुत है और हर साल मैं खेती करने जाती हूँ। बचपना से कर रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। खुशी होती है, दिल में शांति मिलता है। मेरे घर में अभी बच्चे लोग हैं, जो कई लड़कियों को मैं रखी हूँ, चार पांच लोगों को, उनको पढ़ा भी रही हूँ। स्कूल कॉलेज नहीं खुला है तो उन लोग भी मेरे साथ जाते हैं खेत में रोपा लगाने के लिए, और उनका हौसला बुलंद होता है और आसपास की महिलाएं देख के और प्रेरित होते हैं, उत्साहवर्धन बढ़ता है उनका कि एक इतने बड़े पद में राज्यसभा सांसद होने के बाद भी खेत में जाके रोपा लगाती हैं। निश्चित तौर पर महिलाओं में एक प्रतीक के रूप में प्रेरित होते हैं। और मैं दूसरी बात, सभी महिला बहनें और यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता से खासतौर पर निवेदन करना चाहूँगी कि कोविड एक बहुत बड़ा संक्रामित बीमारी है, जो कोरोना के चलते सभी बहनें मास्क लगा के खेतों पे जाएं, काम करें, आप को बचा के रखें, दूरियां बना के रखें, क्योंकि ये बीमारी बहुत जल्दी फैलता है। पर यहाँ बहुत कम है, इसका इलाज भी हो रहा है छत्तीसगढ़ में। आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बहुत अच्छे ढंग से छत्तीसगढ़ आज कोरोना को लेके कंट्रोल किए हुए हैं। फूलो देवी नेताम ने बताया कि किसानी उनका मूल पेशा है। खेतों में रोपाई, फसल की कटाई व मिसाई सभी काम वो बखूबी कर लेती हैं। उन्होंने कहा, मेरे सांसद बन जाने के बाद लोग मुझे रोपा लगाते देखकर अचंभित हैं, पर यह काम मैं बचपन से ही कर रही हूँ। उन्होंने बताया कि सांसद चुने जाने से पहले विभिन्न पदों पर रहते हुए भी मैं कभी खेत में आकर अपने मूल काम से पीछे नहीं हटी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।